नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में मैं अनुराग स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, डिजिटल क्रांति, मतलब कि आप सबके लिए आज मैं कुछ ना कुछ जरूर लेकर आया हूं। और आप देखिए, मात्र केवल 3 मिनट आप रुकी है हमारे साथ, देखिए जो है आपके लिए उसमें क्या है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका था कि आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ उपहार जरूर दूंगा, तो आज उस उपहार का समय आ गया है और देखिए आपके लिए क्या निकलता है उपहार में। जैसा कि हमारी क्लासेस जो है लगातार चल रही हैं और डेली जो है, डेली मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर देता हूं, और जो मेरा टारगेट है वो टारगेट आपका जो है वही सितंबर रहेगा। सितंबर तक, अर्थात सितंबर लास्ट तक आपके सभी एग्जाम होने वाले हैं। जो भी एग्जाम शुरू होंगे वो सितंबर लास्ट के बाद ही शुरू होंगे, इसीलिए हमने जो टारगेट माना है वो सितंबर को टारगेट माना है, और सितंबर को टारगेट करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी। और डेली में तो आपको जो है एक से एक क्लास देता हूं, और आज हम उसी क्लास के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आपके लिए क्या है खास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो अगर आपको न पता हो तो आप ये जान लीजिए कि हमारे जो परिवार है द स्पीड स्टडी, उस परिवार में आज जो है 1200 लोग पूरे हो चुके हैं, और आप लोगों का टारगेट ये रहना चाहिए कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी जो है 2000, 2500, 3000 तक पहुंचाइए। आप केवल इतना करिए कि एक लोग को शेयर करिए बस। आप जितने भी लोग आप ये देखें, मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मित्र का सहयोग करेंगे और एक लोग को जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर आपके लिए क्या है इसमें और हमारा टाइम टेबल क्या है। तो हमारी जो क्लासेस हैं वो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएंगी। सुबह 8 बजे से शुरू होंगी और सुबह 8 बजे पहली क्लास आपकी जो है रिचा मैम की रहेगी। ठीक, तो जो सुबह 8 बजे की पहली क्लास है वो आपकी रिचा मैम की रहेगी, जो कि क्या पढ़ाती हैं, मैथ पढ़ाएंगी आप लोगों को। और ये क्लास जो है स्पेशली जो है क्लास 8 के बच्चों के लिए है, 8, 9 और 10। ठीक, इस प्लेटफॉर्म पर आपको ना केवल एकेडमिक लेवल बल्कि कॉम्पिटिशन लेवल का भी जो है मैटर मिलेगा, और गारंटी करता हूं कि आप किसी भी परीक्षा में बैठे आपको यहां से फायदा जरूर मिलेगा। तो पहली क्लास जो आपकी रहेगी 8 बजे की, वो रिचा मैम की रहेगी। उसी के बाद जो है 9 बजे की जो क्लास रहेगी वो आपकी रहेगी अनुराग शुक्ला। ठीक, अनुराग शुक्ला सर की रहेगी, जो कि जो है, देखिए इनकी लाइव क्लासेस जो रहेंगी वो क्या क्या रहेंगी। 9 बजे आपकी जो है चलेगी बाल विकास, उसके बाद फिर शाम को 7 बजे आपकी चलेगी इन्हीं की क्लास रहेगी, शाम को 7 बजे आपकी चलेगी हिंदी। ठीक, उसके बाद इन्हीं की एक क्लास और रहेगी, वो रात में 9 बजे रहेगी, और रात में 9 बजे वो रहेगी पर्यावरण। ठीक, तो अनुराग शुक्ला सर की आपकी 3 क्लासेस रहेगी, एक तो सुबह आपकी 9 बजे रहेगी और एक 7 बजे रहेगी और एक शाम को 9 बजे रहेगी। ये क्लासेस देखिए, क्योंकि बाल विकास, हिंदी और पर्यावरण, हिंदी जो है ये आपका यूपीएसआई स्पेशल रहेगा, यूपीएसआई स्पेशल। ठीक, यूपीएसआई स्पेशल जो रहेगी वो आपकी 7 बजे हिंदी की यूपीएसआई स्पेशल, अर्थात जितने भी आपके एग्जाम हो ये एडवांस लेवल तक की पढ़ाई जाएगी। और हिंदी जो है पूरा, किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी आती है तो वो आपको सारा मैटर यहां से मिल जाएगा। और ये पूरी क्लास की बात की जाए तो ये पूरी क्लास आपकी जो है टेट और सीटेट को टारगेट करके बनाई जाएगी। ये तीनों क्लासेस टेट और सीटेट को टारगेट करके बनाई जाएगी, जिसमें आपकी हिंदी स्पेशल क्लास चलेगी एडवांस लेवल तक की, और ये हिंदी जो चलेगी किसी भी आप एग्जाम में बैठेंगे आपको हिंदी का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। और अभी जो कि पूरा विस्तार से बताया जाएगा, फिर बाद में एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे इसमें सब पे। जब आपका एग्जाम जैसे सितंबर लास्ट तक होना है तो सितंबर स्टार्टिंग से ही आपके जो है एमसीक्यू कराए जाएंगे, और उसमें पूरा महामैराथन ला करके 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चन आज तक के 8-10 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें जो है डिस्कस करा दिए जाएंगे, ये मेरा वादा रहेगा आपसे। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है, जो आपके बीच का टाइम है अर्थात शाम को 6 बजे आपकी ये आपकी निखिल सर की क्लास रहेगी, और निखिल सर की जो क्लास रहेगी ये आपकी जो है क्लास 12 की फिजिक्स रहेगी। ठीक,
क्लास 12th की फिजिक्स जो है वो निखिल सर पढ़ाएंगे, और मैंने जैसे कि कुछ वीडियो मैंने डाले भी हैं फिजिक्स के, आप लोग उसको देखिए, देखने के बाद एनालाइज कीजिए कि क्या आपको यहाँ से फायदा होना हो रहा है, क्या आपको फायदा यहाँ से होगा। अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ से फायदा होगा तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मत सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा वादा है कि अगर आप यहाँ पे बने रहेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। तो इसलिए आप मेरा कहना मान करके एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, 10-15 दिन देखिए, अगर आपको ये लगे कि हाँ कोई फायदा नहीं हो रहा तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसके बाद देखिए, तो ये तो आपकी जो क्लासेस थी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे की क्लास डिस्कस करता हूं। आगे की क्लास जो रहेगी आपकी वो सुबह 10 बजे की, अर्थात सुबह 10 बजे की रहेगी, ये मेरी क्लास रहेगी, ठीक, ये भी अनुराग सर अर्थात मैं, ये मेरी क्लास रहेगी सुबह 10 बजे, जिसमें आपको रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, और जो मेरी जितनी भी क्लासेस चलती हैं, अर्थात स्पेशली जो मेरी क्लास चलती है उसका जो टारगेट रहता है आपका यूपीएससी लेवल तक का, जो हिस्ट्री आपकी रहेगी, पॉलिटी रहेगी, जो आपकी इकोनॉमिक्स रहेगी, और जो आपका स्टैटिक रहेगा, ये पूरा यूपीएससी लेवल तक का कराया जाता है। तो यूपीएससी हो गया, या यूपी ट्रिपल एससी हो गया, या फिर जो है सीटीएस हो गया, या फिर आपका एसएससी हो गया, या फिर आपका बैंक हो गया, या फिर आपका रेलवे हो गया, या फिर अदर एग्जाम, अदर वन डे एग्जाम। तो ये जो क्लासेस हमारी चलेगी, हमारी जो क्लासेस चलेगी वो आपके इतने एग्जाम के टारगेट पर बनाई जाएगी, और स्पेशली जो टारगेट रहेगा आपका वही एसएससी, रेलवे, बैंक और सीटीएस का रहेगा, और यूपी ट्रिपल एससी जो स्पेशली टारगेट रहेगा वो आपका ये चार रहेगा। और चूंकि आप जानते होंगे कि सीडीएस का जो पेपर बनाता है वो भी यूपीएससी ही बनाती है, सीडीएस का पेपर यूपीएससी ही बनाती है, इसलिए यूपीएससी प्री लेवल तक का मैं पूरा कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि रीजनिंग आपकी चल रही है, मेरी कुछ क्लासेस चल चुकी हैं, 12-13 क्लास मैंने पढ़ा दिया है, उसमें आप जाके खुद एनालाइज कर सकते हैं कि मैं क्या और किस कंटेंट का मैटर दे रहा हूं। कोई भी पॉइंट आप कहीं पर चाहिए ढूंढ लीजिए, जो कंटेंट मैं दे रहा हूं वो कंटेंट कोई भी नहीं दे पाएगा, ये मेरा वादा रहेगा आपसे। रीजनिंग की जो क्लासेस आपकी चलती है वो सुबह 10 बजे चलती है, उसी के बाद जो है सुबह 11 बजे आपकी हिस्ट्री चलेगी, और हिस्ट्री में भी हमने मिडिलवर हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दिया है, और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करनी है, तो इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में ही जो आपकी 11 बजे की क्लास है, 11 बजे की क्लास में हिस्ट्री और पॉलिटी दो चीजें कराई जाएंगी, जिसमें टाइमिंग मतलब डेट का डिफरेंस रहेगा। तो जैसे कि जब अभी मॉडर्न हिस्ट्री जब आपकी स्टार्ट होगी, तो उसमें जब हम लोग आगे पढ़ेंगे अंग्रेजों के आगमन पर जब हम चर्चा करेंगे, तो अंग्रेजों के आगमन से फिर हम पॉलिटी पर आएंगे। तो पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों, चूंकि देखिए हिस्ट्री और पॉलिटी का जो संबंध है दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों हम ही पढ़ाएंगे, और दोनों आपकी 11 बजे ही चलेगी। डिफरेंस ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन आपकी हिस्ट्री चलती है, तो 3 दिन आपकी जो है पॉलिटी चलेगी। तो जब एक दूसरे से जोड़ के आप पढ़ेंगे, देखिए समय ऐसा है कि आपको पूरा विस्तार नहीं पढ़ना, रामायण नहीं पढ़नी, केवल आपको सुंदरकांड पढ़ना है। सुंदरकांड का मतलब ये हुआ कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करेंगे तो जब कम समय में ज्यादा गेन कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है आप लोग अगर हमारे टाइम टेबल के हिसाब से अपना टाइम मैनेज कीजिए, और इसीलिए मैं पूरी दिन की क्लास नहीं रख रहा हूं, क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुद अपने मन से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे जितने भी चैनल से पढ़ लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, आपका क्लियर नहीं होगा। आप भले आपको आ जाए समझ में सब कुछ है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने जो बीच का समय छोड़ा हुआ है, जो क्लासेस हमारी है इसके अलावा जो टाइम आपका बचता है उस टाइम में आप रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर घटना चक्र उठा लीजिए, घटना चक्र के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, उनसे आपको जो है काफी फायदा मिलेगा। और एक चीज और, अपना सजेशन आप जरूर दीजिएगा कमेंट करके कि आप क्या चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करूं, या फिर जो है ये सही है, ठीक, तो आप लोग जरूर बताइएगा। जैसा कि अभी हमने जो है कुछ टीचरों की व्यवस्था की है, और अनुराग सर एक जाने माने टीचर हैं, ठीक,
और वही निखिल सर भी जो है लगातार जो है स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं हमारे साथ अपने परिवार द स्पीड स्टडी से, तो उनकी क्लासेस जो है कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए जो है आप चैनल पर सब्सक्राइब करें और कुछ दिन रुकें और देखें कि क्या आपको फायदा होता है नहीं। जैसे कि आप देखे होंगे कि आज वाई सर की भी क्लासेस पड़ी हुई है, बेसिक से पूरा बेसिक से, चाहे आपको मैथ पढ़ना हो और चाहे बेसिक से आपको इंग्लिश पढ़ना हो, बेसिक से चाहे आपको मैथ पढ़ना हो चाहे बेसिक से आपको इंग्लिश पढ़ना हो, दोनों चीजें आरके वाई सर की क्लास पड़ी हुई है, 25-30-35 क्लास पड़ी हुई है। आप उसको देखिए, आप उसको देखेंगे तो खुद एनालाइज करेंगे कि हाँ आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या जो यहाँ पे मिल रहा है वो कहीं और मिलेगा, तो आपके दिल से आवाज आएगी कि नहीं ऐसा कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा। तो मैं आपको इस उम्मीद के साथ छोड़ रहा हूं कि आप लोग हमारा साथ देंगे और मैं आपके साथ लगातार बना हूं। आप लोग एक टारगेट कर लीजिए, क्योंकि आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, केवल हमको 2000 बच्चे चाहिए, 2000 सब्सक्राइबर हमको चाहिए, और वो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि अपने सर के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। और यही जो है आपका हमारे लिए एक तोहफा होगा, और हमारा तोहफा क्या था आपके लिए, तो हमने सारी चीजें बता दी। आप चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, हर चीज आपको यहाँ पे जरूर मिलेगी। 10th की क्लास का मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, 10th और 12th वाले खास तौर पर, क्लास 10th और 12th के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जब आपका एग्जाम होने वाला रहेगा, अर्थात जहां तक कि फरवरी में एग्जाम होते हैं आपके, तो आपके दिसंबर जनवरी और फरवरी महामैराथन ला करके आपका सारा कोर्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, जो जैसे निखिल सर पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है कम से कम 6-7 साल का अनुभव है, ठीक, भले ही मैं आपको देखने में आप ही लोगों के जैसा लग रहा हूं, लेकिन अनुभव हमारे पास काफी है, ठीक। 2013 से मैं जो है पढ़ा रहा हूं हाई स्कूल इंटर का, तो इसलिए जो है हमको पता है कि कहां से प्रश्न पूछता है, ठीक, बोर्ड कहां से क्वेश्चन उठाता है, तो ये चीज पता है हमको। तो आप जो है केवल हमारे साथ बने रहिए, और इन 3 महीनों में, दिसंबर जनवरी फरवरी, इन 3 महीनों में महामैराथन ला करके पूरा आपका रिवाइज करवा लिया जाएगा। और मैं टारगेट हमारा जो आपके लिए रहेगा वो 90%+ के आसपास रहेगा, अर्थात अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ये आपका वादा है मुझसे कि जो है आप लोग हमारे साथ मेहनत करेंगे और हमारे जो अचीव है, हमारा जो गोल है, उस गोल तक पहुंचेंगे, ठीक। तो मैं समझता हूं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, अपने भाई का, अपने दोस्त का, अपने मित्र का, और अपने परिवार में, अपने साथियों में इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ठीक। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद, और पढ़ना जारी रखें, ठीक। तो हैव ए नाइस डे।